राजद की तरफ से कल दो उम्मीदवार राज्यसभा के लिए नामांकन हुआ, मीसा भारती और दूसरे नाम थे डॉक्टर फैयाज अहमद। इस पर अब जेडीयू ने बड़ा हमला किया है। नीरज कुमार हैं जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता, उन्होंने कहा है कि राजद फैमिली एंड फाइनेंशियल पार्टी है। इस पर हम बात करेंगे। आरजेडी के मुख्य प्रवक्ता हैं मृत्युंजय तिवारी जी। तिवारी जी, जेडीयू का कहना है कि पैसे के दम पर पार्टी टिकट देती है और परिवारवाद का तो नमूना है ही। अरे जेडीयू क्या बोलेगी नहीं बोलेगी, तो जेडीयू को बोलने के लिए कुछ है? राज्यसभा के उम्मीदवारों का नाम का घोषणा काहे नहीं कर रही है जेडीयू? पहले उनसे ये पूछिए जी। सवाल जनता ये जानना चाहती है जी कि राज्यसभा के उम्मीदवारों का घोषणा जेडीयू अभी तक नहीं कर पा रही है जी। केंद्रीय मंत्री माननीय आरसीपी सिंह जी को जेडीयू भेजेगी जी या नहीं भेजेगी, ये तो देख रहा है घमासान आग लगी है। वो आरजेडी पर क्या बोलेंगे? तब तो जेडीयू जो है ये तो जनता का दमन और उत्पीड़न जी, ये तो नाम आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने रखा है जी। तो जेडीयू किस मुँह से बोलेगी जिन्होंने जनता का दमन और उत्पीड़न किया है, जो कार्यकर्ताओं को सम्मान नहीं करती जी। इसलिए ये सब जेडीयू ना बोले तो अच्छा है, ये सब बोलने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। कहा जा रहा है आरजेडी में चर्चा थी हिना साहब को जाने के लिए राज्यसभा, उसके बाद फैयाज अहमद का नाम आ गया, इस पर भी जो विपक्षी पार्टियां हैं वो हमलावर हैं। देखिए ये पार्टी का नेतृत्व सभी चीज़ों को देखकर समझकर ही तय करती है, कौन उम्मीदवार होंगे, पार्टी के हित में क्या होगा, पार्टी के बेहतरी के लिए क्या होगा, अच्छे के लिए क्या होगा, ये पार्टी का सिर्फ नेतृत्व तय करता है। उन्होंने सोच समझ कर तय किया है। अब सब लोगों को खुश करना संभव नहीं है, दो ही सीट थी, लेकिन यहाँ हमारे पार्टी में सब लोगों का आदर है, सम्मान है, धैर्य रखें लोग, और सबको सम्मान पार्टी ने दिया है, सबको सम्मान मिलेगा, लोगों को धैर्य रखना चाहिए। एक सवाल है, राज्यसभा के लिए तो राजद के उम्मीदवार का ऐलान हो गया है, नॉमिनेशन भी हो गया, लेकिन जेडीयू में अभी सस्पेंस बरकरार है, क्या लगता है? देखिए ये जेडीयू का आंतरिक मामला है, जेडीयू के अंदर जो दिख रहा है समान स्थिति नहीं है जी। कहीं ना कहीं माननीय केंद्रीय मंत्री आदरणीय आरसीपी सिंह जी के नाम को लेकर पेच फंसा हुआ है जी। बीजेपी भी अभी तक घोषणा नहीं कर पाई है, तो ये तो दिख रहा है कि एनडीए में शामिल दलों के बीच में समान स्थिति नहीं है, कुछ ना कुछ लाए वो जाने, लेकिन एनडीए में गड़बड़ है ये दिख रहा है। एक आखिरी सवाल है, जेडीयू में और आरजेडी में कुछ दिनों तक, कुछ दिन पहले नज़दीकियाँ बढ़ी है, अभी भी बढ़ी है, लेकिन अब जेडीयू भी अब हमला कर रही है आरजेडी में, क्या लगता है कि जो बात बनी थी वो बात फिर से बिगड़ जा रही है? जेडीयू से हमारी बात बनने का सवाल नहीं, जिस सवाल पर तेजस्वी यादव जी ने जो मांग किया था जातीय जनगणना के सवाल पर, उसमें जेडीयू के जो सर्वोच्च नेता हैं आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, उन्होंने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी की सलाह मांग को मान ली, इतना ही बात था। लेकिन लोग कयास लगा रहे थे बहुत तरह से, इससे कोई मतलब नहीं है, जब हम सबसे बड़े दल के रूप में हैं, सबसे ज़्यादा जनता और का विश्वास भरोसा तेजस्वी यादव जी ने जीता है, तो फिर हम जेडीयू तीन नंबर पार्टी के पास? ये तो सवाल था जातीय जनगणना का, मुद्दे की बात थी। तो कभी कभी राजनीति से ऊपर उठ करके पार्टी हित में सोचा जाता है और काम किया जाता है, यही बात है। प्रदेश के हित में, बिहार के हित में ये बात थी और पार्टी का ये अहम मुद्दा था, इसलिए तेजस्वी यादव जी मुख्यमंत्री जी से ये मांग कर रहे थे। तो हमारे साथ थे आरजेडी के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी, जिनका कहना है कि पार्टी ने सोच समझ करके फैसला किया है और जेडीयू में घमासान मची है, इसीलिए जेडीयू की तरफ से अभी तक किसी भी उम्मीदवार का ऐलान नहीं किया गया है। आरजेडी में सब कुछ ठीक है, असल खलबली जो है जेडीयू में है। अब देखना होगा जेडीयू में राज्यसभा का ऐलान, उम्मीदवार का ऐलान कब तक होता है। अब बने हमारे साथ, फिलहाल इस खबर में इतना ही, धन्यवाद।